नमस्कार, मैं काजल भी उगड़े फ्रॉम एमएनएस न्यूज लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोज तिवारी को मिली जान से मारने की धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी, इनको मिली जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 500 रुपए के नोट पर गला काटने की धमकी का मामला सामने आया था और अब फिर एक बार उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी मनोज तिवारी के फोन पर शुक्रवार को दोपहर 12:52 पर उनके मैसेज पर दी गई थी। दिल्ली के भाजपा प्रवक्ता नीलकंठ बख्शी ने बताया कि यह किसी सरफिरे का काम है, लेकिन इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकर्ता अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। पर कौन थे श्याम प्रसाद मुखर्जी? श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। 1947 में पंडित नेहरू की कैबिनेट में शामिल हुए। भारत की अखंडता और कश्मीर का भारत में विलय के समर्थक थे। पूरे देश में श्याम प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच का आदेश नहीं दिया। इतिहास गवाह है कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भ्रष्ट अफसरों की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने दिया मंत्रियों को एक और कड़ा निर्देश। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर ली है। इस कार्यकाल में उन्होंने भ्रष्टाचार से लिप्त पाए गए अफसरों की छुट्टी करनी शुरू कर दी गई है। आयकर विभाग ने 27 अधिकारियों को समय से पहले रिटायर करने के बाद सरकार अभी और सख्ती बरतने के मूड में दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने अब भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा सभी विभागों के अपने कर्मियों को सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने को कहा है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।